और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। आज मैंने इस बुक से जनरल नॉलेज के बहुत सारे आंसर्स याद कर लिए हैं। अब मुझे इस बुक के बहुत सारे आंसर्स याद करने होंगे। रावी पुत्र, क्या कर रही है मेरी सोनी कुड़ी? पढ़ाई कर रही है, पर आज तो तेरी छुट्टी है ना। चल पहले ना गर्मा गर्म नाश्ता कर ले, फिर आके पढ़ाई कर लेना। लो नीचे ना धोबी आया, मैं उसे कपड़े दे देती हूँ धोने के लिए, वरना कहीं वो चला ना जाए। चल पुत्र तू नाश्ता कर ले। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ पुत्र। आप दिन भर कितना काम करती हो? लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं ये कपड़े ले चलती हूँ। मैं ये कपड़े ले चलती हूँ, तू छोटी है और तुझे लगता है मैं अपनी राजकुमारी से काम करवाऊंगी? मम्मी मम्मी मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगी। बड़ी हो गई हूँ, कहाँ से सीखी है बड़ी बड़ी बातें। चल चल के नाश्ता कर। मम्मी अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अम्मा दोनों मैं आपकी मदद करूंगा। तू रहने दे पुत्र, मैं कर लूंगी। नहीं अम्मा भाई पहले कर दो मुझे। की कर रहा है पुत्र, रुक। नहीं बच्चे लाल जी ये लीजिए, अमन और रविंदर के कपड़े अच्छे से धोना। कमाल है पर जाएगी, एक बात बताओ, इतने सालों से कपड़े धो रहा हूँ, आज तक मैला कपड़ा दिया है? पता जब मैं कपड़े धोता हूँ ना ऐसे रगड़ रगड़ के, फिर उसको ऐसे ऐसे 10 बार देखता हूँ फिर देता हूँ। हेलो, फिर बिना गिने आपने कपड़े ले लिए। बच्चे लाल करता है कमाल, एक बात बताऊं, आज तक मैंने आपको जितने कपड़े दिए हैं एक रुमाल भी गायब हुआ है आपका। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रही थी कपड़े गिन कर लेंगे तो यहाँ वहाँ नहीं होंगे। ओ पापी जी एक बात बताऊं, कपड़ा इधर से उधर जा उधर से इधर हो जाए, 1 रुपया मत देना कपड़े का, आप कसम से कहता हूँ मत देना। आप मेरी ना आंखों पे मत जाओ, ये ऐसे ही है, पर मैं कपड़े देता हूँ हमेशा गिन के ही देता हूँ। अच्छा वो रितु पर जाई जी नजर नहीं आ रहे, उन्होंने भी अपने कपड़े धोने थे। अब वो बाहर गई हैं, आप ये कपड़े जल्दी से धो के ला दीजिए। ओ कोई बात नहीं, तो ये लेके चलता हूँ मैं चलूँ। ओहो दे बेटा। अरे अंकल आपके पास इतने सारे कपड़े हैं तो सोचा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं मदद अपनी कर लूंगा। रविंदर पुत्र की कर रहा है? चल छट वो कर लेंगे। लाओ जी शाबाश काका, ये लीजिए। ले आओ जी। अच्छा भैया जी, अच्छा काका। रविंदर वो मदद करने जा रहा था। चल पुत्र चल जा जाके नाश्ता कर। बुद्धू वो कपड़े लेने आए थे, मैं क्या क्या कर उनको रोकता? अगर मैं उनसे कपड़े वापस मांग लेता तो मम्मी को शक हो जाता और हमारा राज राज नहीं रहता, तो क्या करें? इससे तो 2 बातें हो सकती हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। क्या? बच्चेलाल अंकल को जब कपड़ों में से मोबाइल मिलेगा या तो खिलौना समझ के लौटा देंगे, या तो गलती से कोई बटन दब गया तो उन्हें मोबाइल की शक्ति का पता चल जाएगा, फिर हमें कभी भी मोबाइल नहीं मिलेगा। कुछ भी हो हम ऐसे हिम्मत हार के नहीं रह सकते, हमें वो मोबाइल वापस लाना ही होगा। अरे पर कैसे? आइडिया, इधर आ। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तेरा फेवरेट हीरो कौन है? अक्षय कुमार। तू झूठ बोल रहा है अमन। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर तूने अक्षय की फिल्म ठीक से नहीं देखी है क्या? नहीं मैंने देखी है। तो फिर अक्षय कुमार तो हर मूवी में अपने दोस्तों की मदद करता है, अगर तू भी उनका सच्चा फैन होता ना
तो तू भी उनकी तरह मेरी हेल्प क्यों नहीं करता? रविंदर, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। आ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अमन पुत्र, क्या हुआ पुत्र? पेट में दर्द है। हाय रब्बा, क्या खा लिया था तूने बाहर की? तेरे पेट में दर्द हो क्या? कुछ नहीं मासी, बस ऐसे ही दर्द होने लगा। ओ! अच्छा बता, किस साइड दर्द है? कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे लग रहा है कि पेट में कोई कबड्डी खेल रहा है। मैं तेरे लिए भी दवाई ले आती हूँ। मम्मी, मुझे लगता है कि इसके पेट में बहुत जोरों का दर्द कर रहा है, इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास? हाँ मासी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर के अलावा कोई चारा नहीं है। कोई बात नहीं पुत्र, चल मैं तुझे भी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। रविंदर पुत्र, तू भी चल हमारे साथ। नहीं मम्मी, मैं अकेले घर पे रह रहूंगी और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, पक्का। पुत्र तू यहाँ अकेला कैसे रुकेगा, घर में कोई भी बड़ा नहीं है, तू चल हमारे साथ। मैं रह लूंगी मम्मी। ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। जाऊंगी रहूंगी, तुम ऐसा क्यों कहा था? बुद्धू अमन, मैं घबरा गया था इसलिए जबान फिसल गई थी। वैसे तेरी ओवर एक्टिंग बहुत हो रही है। हाँ, मेरे टैलेंट को ओवर एक्टिंग मत बोल। अमन पुत्र, चल पुत्र जल्दी चल, रविंदर घर में रहना, कहीं नहीं जाना। हाँ यस। चिक्की, मैंने अभी देखा। मुझे परेशान मत कर, मुझे खाने दे। अरे सुन तो, किचन से कुछ खाने के लिए लाया। अरे सुन ना, मैंने अभी देखा कि रविंदर अकेले घर से बाहर जा रहा था, वो भी चुप चुप। रविंदर अकेला घर से बाहर कहाँ जा सकता है? चल चल के देखते हैं। हाँ चलो। यहाँ तो नहीं, मुझे लगता है वहां चला गया होगा।
मोबाइल तो नहीं है। पर रविंदर बच्चे लाल अंकल के घर पर कर क्या रहा है? चिट्टी टिक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए? हम रविंदर के पीछे पीछे आए थे, वो आपके यहाँ खिड़की कूद के आया तो हम भी अंदर आ गए। रविंदर खिड़की से कूद के आया? मगर इस खिड़की से हो तो तुम आए हो दोनों। उस खिड़की से आया है। ओह हाँ, एक मिनट देख ले तू मुझे। रविंदर, 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 वो मुझको झूठ बोलते हो कि रविंदर जो है इस खिड़की से कूद के आया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद वो इसी खिड़की से बाहर चला गया होगा। हाँ, भाग गया होगा। अच्छा, भाग गया होगा। सच कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, ऐसा दर्द है जहां हाथ लगाता हूं वहीं दर्द होने लगता है। मुझे बहुत तेज दर्द है। आप एक काम कीजिए, शायद आप इनकी चॉकलेट और मिठाइयां बंद कर दीजिए और उसके बाद मुझे बताइए दर्द कैसा है। शायद इनके पेट में कीड़े हैं। अभी मैं एक इंजेक्शन दे देता हूं। मेरा दर्द ठीक हो गया, थोड़ा सा कम हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ। अगर फिर से दर्द हुआ तो इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं पुत्र, इसके बाद तो जरूर ठीक हो जाएगा। अब दीजिए डॉक्टर साहब। नहीं। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मैजिक मोबाइल है कहाँ? ना भिखारी के भिखारी जी, अब तुम लोग मुझे ये खिलौना लाकर दोगे? तुम लोगों से ना कोई एक काम ठीक से नहीं होता। अरे कोई महंगी चीज चुराई होती तो बाजार में उसके चार पैसे मिलते। पता नहीं कहां से बच्चों का वीडियो गेम उठा लाए। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैं ले आया। मुझे सिर्फ कीमती सामान चाहिए और ये बात अपने लोगों को जाकर समझा दे। और अगर उनसे ये नहीं होता ना तो उनसे बोलो कि भीख मांगने का जो धंधा है ना उसे चालू रखें, चोरी का नहीं। और हमने चोरी करने की ट्रेनिंग तुम्हें क्यों दी बे? हैं? और हम अपने जीजा से जाकर क्या कहेंगे, डांट भरी भी हैप्पी जीजा है? हमारे लोगों से कीमती सामान की चोरी नहीं होती। ये खिलौने की दुकान खोल लो ये कहेंगे बे? सरकार आगे से ऐसा नहीं होगा। अबे का तुम शरीफ लोगों की जिंदगी गुजारना चाहते हो हैं? काम कर करके मर जाओगे लेकिन पैसे नहीं कमा पाओगे। अबे कोई बड़ा हाथ मारो हैं, कीमती सामान चुराओ, ऐश करो।
सरकार अब हम बड़े बड़े हाथ ही मारेंगे और आपको कीमती कीमती सामान ला के देंगे। ये रहा बाकी का सामान, गाड़ी में जाके रख दो। कुत्ते को बिल्ली का सलाह, डांट मारी बी हैप्पी। कुत्ता अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है। मियाँ, मियाँ। बिल्ली का कुत्ते को सलाम, बिल्ली भी पहुंच रही है। ओवर एंड आउट। कोई ना पुत्र, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया ना तो ठीक हो जाएगा। ये रविंदर भी ना दिन भर खेलता रहता है, घर का दरवाजा खुला है। आज ना ये मेरी अच्छी डांट खाएगा। चल पुत्र। रविंदर, पुत्र रविंदर, पुत्र तू बैठ इत्थे। कित्थे चला गया ये लड़का? रविंदर, पुत्र रविंदर, ये लड़का भी ना मैं रूम विच देखती हूँ। इसमें तो दो बातें हो सकती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। या तो रविंदर को मोबाइल मिल गया और वो गायब हो गया, नहीं तो वो मोबाइल ढूंढ रहा होगा और मासी से तो खूब डांट पड़ेगी। अमन पुत्र, रविंदर घर विच नहीं है, पता नहीं कित्थे चला गया। रविंदर नहीं है? हाँ पुत्र, आ जाने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी, समझता ही नहीं है कोई बात। ओए मैं आ गया हूँ। मियाँ। ओए मैं भी पहुँच गया हूँ। बम बम। और सुन, ओए हमारे पास में जो चोरी का सामान है ना, वो सब तैयार है, बस खरीदार चाहिए। ओए चिंता मत कर, मैं ना खरीदार को लेकर पहुँच जाऊँगा। ओए कहाँ पहुँच जाएगा तू? बम बम। ओए वहीं पर कब्रिस्तान के पीछे वाले गोदाम पर। ओए ओए और लग रहा है हमें कुछ देख रहा है। ओए पागल के बच्चे, मैं देख रहा हूँ। ओए नीचे बैठ, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ना आपस में बात कर रहे हैं। ओए कब्रिस्तान की बात ना कर, मुझे पसंद नहीं है। ओए तुझे भूतों से डर लगता है क्या? ओए चुप कर। गुड वर्ड, गुड वर्ड। ओए तू ऐसे बोलना, पागल कहीं का। और सुन, एक घंटे के अंदर ना मैं खरीदार को लेकर है ना गोदाम पर पहुंच जाऊंगा। ओए ओए पागल के बच्चे, ओए साथ साथ क्यों चल रहा है? हाँ मैं दो कदम चलूंगा, तू एक कदम चलना। ओए ये ना बहुत टॉप सीक्रेट मीटिंग है। समझ गया। ओए किसी को इसके बारे में ना पता नहीं चलना चाहिए। ओए पता तो तब चलेगा जब यहाँ कोई होगा। ओए पागल, दीवारों की ना आंखें होती है। ओए हमने तो पहली बार सुना यार। ओए यार सुनेगा कैसे, आंखों की बात हो रही है, कानों की थोड़ी हो रही है। और वैसे भी तू मेरी तरह इंटेलिजेंट थोड़ी है जो सारी बातें समझ जाएगा। अब एक बात ना ध्यान से सुन, जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना तू उसके 2 मिनट बाद यहाँ से निकलियो। समझ गया? समझ गया। यार रंजीत, तू बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है।